हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme 6 की, जो कि Helio G90T के साथ आता है और सिर्फ 13,000 की प्राइस में आपको पंच होल कैमरा, फुल HD डिस्प्ले और 30 वोट की फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस फोन के 40 से ज्यादा खास फीचर्स की, जिनको यूज करके आप इस फोन को बड़े ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। बड़े ही अमेजिंग फीचर्स है, एक भी फीचर मिस मत कीजिएगा और जो भी फीचर सबसे अच्छा लगे मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा, ताकि सब लोगों को इस फोन के बेस्ट फीचर्स के बारे में पता चल पाए। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले फीचर की बात करूं तो इस फोन में आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको काफी स्मूथ यूआई देखने के लिए मिलता है, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और डिस्प्ले ब्राइटनेस के अंदर जाते हैं, तो यहां पर आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट के अंदर से 90 हर्ट्ज को सेट कर देना है, जो कि ऑटोमेटिकली ऑटो सेट पर सेट है। और कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा कि आपका डिस्प्ले जो है ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज पर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं हमेशा 90 हर्ट्ज रहे तो इसको आपको यहां से सेट कर देना है। उसी के साथ दोस्तों, इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट पोजीशन है अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज करना चाहते हैं। आप डायरेक्टली इस तरह से टच करेंगे, फोन जो है अनलॉक हो जाएगा। जैसे ही आप अपने फोन को उठाएंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, आपका हाथ जो है वो ऑटोमेटिकली पावर बटन पर जाएगा और फोन जो है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी वजह से अगर आप नोटिस करेंगे, कभी कभी फोन जो है डायरेक्टली अनलॉक हो जाता है, हालांकि आप लॉक स्क्रीन पर सिर्फ टाइम देखना चाहते हैं। तो उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स के अंदर यहां पर फिंगरप्रिंट के अंदर जा सकते हैं और यहां से स्क्रीन ऑफ अनलॉक को लाइट टच की जगह फर्म टच पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद टच पर फोन जो है वो अनलॉक नहीं होगा, आप देख सकते हैं। आपको इसको बटन की तरह प्रेस करना होगा, जिसके बाद ये फोन जो है वो अनलॉक होगा। उसी के साथ इस फोन में आपको वीडियो कॉलिंग और वाईफाई कॉलिंग जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप कोई भी नंबर यहां पर रैंडमली डायल करते हैं, तो यहां पर आपको वीडियो कॉलिंग का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। डायरेक्टली आप नंबर सेव कीजिए चाहे नहीं कीजिए, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। उसी के साथ यहां पर आपको वाईफाई कॉलिंग का फीचर देखने के लिए मिलता है। अगर आप यहां पर देखेंगे स्टेटस बार में, आपको वाईफाई कॉलिंग का आइकन देखने के लिए मिल जाएगा। तो वाईफाई की मदद से अगर आपका नेटवर्क वीक भी है, आप एक अच्छी कॉलिंग का एक्सपीरियंस दे पाएंगे। डायलर के अंदर अगर आप यहां पर टू डॉट्स पर क्लिक करके सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, तो यहां से कॉल रिकॉर्डिंग को भी इनेबल कर सकते हैं। यहां पर कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर आप सेट कर सकते हैं कि किन किन कॉल्स को आपको रिकॉर्ड करना है, या फिर सारी कॉल्स को भी आप ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप फ्लैश ऑन कॉल को यूज करना चाहते हैं, मतलब जैसे ही आपके फोन पर कोई कॉल आए तो फ्लैश जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर दे, तो आप फ्लैश ऑन कॉल को यहां सेटिंग्स में से इनेबल कर सकते हैं, जो कि आपको डायलर सेटिंग्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ अगर आप डेस्कटॉप पर हैं, तो यहां पर आप देखेंगे आपको एक साइड बार देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। यहां पर आप काफी सारे शॉर्टकट्स रख सकते हैं, कुछ एक्शंस आप डायरेक्टली यहां से परफॉर्म कर सकते हैं और इवन कुछ ऐप्स अगर आप ऐड करना चाहें तो यहां पर कर सकते हैं। उसी के साथ फ्लोटिंग विंडोज का सपोर्ट आपको साइड बार में से देखने के लिए मिलता है, जिसका मतलब है अगर आप साइड बार में से कुछ एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इस तरीके से वो फ्लोटिंग विंडो में ओपन होती है। अब इनको अगर आप ऐसे बोल बना के यहां पर रखना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, और आप इसको बंद भी कर सकते हैं और यहां से फुल स्क्रीन में भी जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस फोन में आपको फोकस मोड और ड्राइविंग मोड भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप स्टेटस बार में मोड्स के अंदर जाते हैं, तो यहां पर पहला है फोकस मोड। अगर आप फोकस करना चाहते हैं अपने काम पर और चाहते हैं कि फोन की वजह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो आप फोकस मोड को कुछ टाइम के लिए इनेबल कर सकते हैं। उसी के साथ ड्राइविंग मोड है, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और चाहते हैं कि कोई फोन वगैरह के नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए ना मिले, तो आप ड्राइविंग मोड को भी इनेबल यहां से कर सकते हैं। इस फोन में हालांकि AMOLED डिस्प्ले नहीं है, फिर भी आपको डार्क मोड देखने के लिए मिल जाता है। स्टेटस बार में यहां पर है डार्क मोड, जिसको डायरेक्टली क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको अगर आप यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टेटस बार या डायलर में अगर आप जाते हैं, सब जगह यहां पर ब्लैक थीम जो है इनेबल हो जाएगी। ये उतनी सुंदर नहीं दिखती है क्योंकि यहां पर AMOLED डिस्प्ले नहीं है, स्टिल अगर आप यूज करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं। दोस्तों, हालांकि फोन के ऊपर आपको एक पतली सी प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलती है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि एक अच्छा टेंपर्ड ग्लास अपने फोन के लिए जरूर परचेस कीजिएगा, और उसके लिए आप जा सकते हैं ग्लेज्ड इंक की वेबसाइट पे। इनके प्रोडक्ट्स जो है वो काफी अच्छे रहते हैं, मैंने खुद यूज किए हैं, और इन सारे प्रोडक्ट्स के जो कटआउट्स रहते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट रहते हैं। आपके फोन के हिसाब से आपको काफी एक्यूरेट कट्स देखने के लिए मिलेंगे और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और टेक आरजे कोड जरूर यूज कीजिएगा क्योंकि इससे आप 10% डिस्काउंट दे सकते हैं। दोस्तों, इस फोन में आपको इंटरनली एक स्क्रीन रिकॉर्डर भी देखने के लिए मिलता है, जो कि अगेन आपको स्टेटस बार में मिल जाएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे इसको, अगर आप लॉन्ग टैप करते हैं तो इस रिकॉर्डर के अंदर आपको सिस्टम साउंड रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो आप पबजी वगैरह अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसको काफी अच्छे से साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसी के साथ वीडियो रेजोल्यूशन आप सेट कर सकते हैं। इस फोन में आपको OSIE विजन इफेक्ट नाम का फीचर भी देखने के लिए मिलता है, जो कि अगेन स्टेटस बार में है, इसको आप लॉन्ग टैप कर सकते हैं। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन जिन पे आप वीडियोस देखते हैं उनमें आप अपने वीडियो देखने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा कर सकते हैं और कलर्स वगैरह को काफी एनहेंस कर सकते हैं, जैसे कि टिकटॉक, वीको वीडियो, लाइक, या फिर काफी सारी और एप्लीकेशन
नोटिफिकेशंस जैसे जैसे आप अपने फोन पर इंस्टॉल करते रहेंगे वो यहाँ पर आपको दिखाता रहेगा। उसी के साथ दोस्तों ग्लोबल सर्च का फीचर आपको इस फोन में देखने के लिए मिलता है। अगर आप होम से इस तरीके से स्वाइप करते हैं नीचे की तरफ तो यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे तो आप अपने फाइल मैनेजर में, कॉन्टैक्ट्स में, एप्स में, मैसेजेस में, कहीं भी आप सर्च परफॉर्म करना चाहते हैं डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं। इजी होम स्क्रीन एडिटिंग का ऑप्शन भी आपको इस फोन में देखने के लिए मिलता है। अगर आप इस तरीके से पिंच करते हैं उसके बाद आप काफी सारी एप्लीकेशन को इकट्ठे सेट करके इस तरीके से मूव कर सकते हैं। किसी फोल्डर के अंदर रखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप डबल टैप टू लॉक के फीचर को यूज करना चाहते हैं जो कि अभी आप देख सकते हैं डिसेबल्ड है, उसके लिए आपको लॉन्ग टैप करना है, होम स्क्रीन पर सेटिंग्स में जाना है और यहां पर डबल टैप टू लॉक को एनेबल कर देना है। इसके बाद अगर आप होम स्क्रीन पर डबल टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं फोन जो है वो लॉक हो जाएगा। अगेन आप यहां से टैप करके अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग्स के अंदर चल जाएं दोस्तों तो सेटिंग्स के अंदर यहां पर आपको वाईफाई असिस्टेंट नाम का एक फीचर देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली फोन जो है ऑटोमेटिकली सेट करेगा कि आपका कौन सा वाईफाई ज्यादा अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। और इवन अगर आप मोबाइल डाटा के बीच में स्विच करना चाहते हैं तो आप इस दूसरे ऑप्शन को भी सेट कर सकते हैं। तो अगर आपका वाईफाई अच्छा नहीं चल रहा तो फोन जो है ऑटोमेटिकली मोबाइल डाटा पर भी स्विच कर जाएगा। एक और अमेजिंग फीचर वाईफाई के अंदर आपको यहां पर डुअल चैनल एक्सेलरेशन का देखने के लिए मिलता है, जिसको यूज करके आप वाईफाई और डाटा को इकट्ठे यूज कर सकते हैं बेटर स्पीड देने के लिए। तो यहां पर काफी सारी एप्स इस चीज को सपोर्ट करती हैं, जैसे क्रोम, फेसबुक और इवन पबजी मोबाइल इस चीज को सपोर्ट करता है। तो अगर आप बेटर नेटवर्क लेना चाहते हैं तो रियलमी के फोन के ऊपर, रियलमी 6 के ऊपर आप ले सकते हैं। इस फोन में आपको वाईफाई टैदरिंग ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। सेटिंग्स के अंदर आपको अदर वायरलेस कनेक्शन के अंदर वाईफाई टैदरिंग के अंदर जाना है और इस ऑप्शन को यूज करके आप अपने फोन पर जो भी वाईफाई कनेक्टेड है उसको शेयर कर सकते हैं अपने फोन की मदद से। मतलब आपको वाईफाई का पासवर्ड नहीं पता हो फिर भी आप शेयर कर पाएंगे, आपके फोन का एक हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाएगा और वाईफाई भी अनेबल रहेगा। अगर आप अपने फोन की डिस्प्ले को किसी और डिवाइस पर कास्ट करना चाहते हैं तो यहां पर अदर वायरलेस कनेक्शंस के अंदर स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है और किसी भी स्मार्ट डिवाइस पर आप कास्ट कर पाएंगे सिर्फ इस ऑप्शन को अनेबल करके। यहां पर आपको लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी कि प्रेजेंटली आपके पास कौन कौन से डिवाइसेस अवेलेबल हैं। डिफॉल्ट मोड में अगर आप देखेंगे आपके फोन पर यहां पर नेटवर्क स्पीड या बैटरी परसेंटेज कुछ शो नहीं करता। अगर आप सेटिंग्स के अंदर नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार के अंदर जाते हैं तो यहां से आप इन दोनों चीजों को अनेबल कर सकते हैं। यहां से रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को आप अनेबल कर सकते हैं और शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार में इनसाइड द बैटरी आइकन या फिर आउटसाइड द बैटरी आइकन आप अनेबल कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर डिस्प्ले के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपको एक आई केयर नाम का मोड देखने के लिए मिलता है, जिसको काफी अच्छे से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा वॉर्म देखना चाहते हैं डिस्प्ले को या फिर थोड़ा कम देखना चाहते हैं तो आप इसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के साथ इवन अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन को करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कलर्स जो है वो गायब हो जाएंगे और ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन जो है वो हो जाएगी। इस फोन में आप डिस्प्ले साइज और फोन साइज को भी चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले ब्राइटनेस के अंदर यहां पर डिस्प्ले साइज का ऑप्शन है, जिसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसी के साथ फोन साइज है, जिसको अगेन आप कम या बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको थीम्स, वॉलपेपर्स और आइकन्स वगैरह चेंज करने के ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर आप थीम स्टोर में जा सकते हैं अगर आप थीम्स को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर वॉलपेपर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं। और आइकन्स की सेटिंग्स के लिए तो यहां पर सेट आइकन स्टाइल का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर से आप इनका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मटेरियल स्टाइल या फिर पेबल स्टाइल या फिर आर्ट प्लस आइकन्स अगर आप इनका जो आर्ट है वो चेंज करना चाहते हैं। उसी के साथ यहां से होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन के अंदर से आप लॉक स्क्रीन मैगजीन को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसको अगर आप अनेबल रखेंगे तो आपको अपनी लॉक स्क्रीन पर हर बार एक नया वॉलपेपर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता तो इस चीज को आप यहां से डिसेबल कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर यहां पर आपको एक रियलमी साउंड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जिसको यूज करके अगर आप हेडफोन्स यूज कर रहे हैं, वायर्ड ईयरफोन्स यूज कर रहे हैं तो आप साउंड का एक्सपीरियंस काफी अच्छे से एनहेंस कर सकते हैं। और बेसिकली एक इक्वलाइजर जैसा ऑप्शन है और थोड़ा साउंड को एनहेंस करने के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं। इस फोन में अगर आप डीएनडी मोड यूज करते हैं उसके साथ भी आप काफी सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। मतलब कुछ कॉन्टैक्ट्स को अगर आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं डीएनडी में से, आप चाहते हैं उनके मैसेजेस वगैरह आते रहें या फिर कॉल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें या फिर रिंग फॉर रिपीटेड कॉल्स आप सेट करना चाहते हैं, मतलब कोई कॉल अगर आपको बार बार आती है, अगर आप दूसरी बार आती है तो उसकी रिंग आप सुनना चाहते हैं, तो ये सब चीजें आप डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग्स में से कर सकते हैं। उसी के साथ इस फोन में आपको ऐप लॉक और प्राइवेट सेफ जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड के अंदर जाना है और यहां से आपको प्राइवेसी पासवर्ड को एनेबल कर देना है। इसको अगर आप सेटअप कर देंगे उसके बाद यहां पर आपको ऐप लॉक और प्राइवेट सेफ जैसे दोनों फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, जिनकी मदद से आप कुछ ऐप्स को लॉक कर सकते हैं या फिर अपनी फाइल्स को हाइड कर सकते हैं। बेसिकली किसी फोटो या वीडियो को अगर आप हाइड करना चाहते हैं वो आप यहां से कर सकते हैं। दोस्तों फेस अनलॉक से रिलेटेड भी यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो कि आपको करनी होंगी। आपको यहां पर फेस के अंदर जाना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, यहां पर स्क्रीन अनलॉक के अंदर आपको ऑटो अनलॉक को सेलेक्ट कर देना है ताकि जैसे ही आपका फेस डिटेक्ट हो फोन जो है वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाए और आपको स्वाइप अप करना ना पड़े। उसी के साथ डू नॉट रिकॉग्नाइज फेसेस विद क्लोज्ड आईज को भी आपको
सेट कर देना है ताकि अगर आपकी आंखें बंद हैं, आप सो रहे हैं, कोई और आपके फेस को दिखा के फोन जो है वो अनलॉक ना कर पाए। नेविगेशन से रिलेटेड भी काफी सारी ऑप्शंस हैं सेटिंग्स के अंदर। अगर आप कन्वीनियंस टूल्स के अंदर जाते हैं तो नेविगेशन बटन्स के अंदर यहां पर आप स्वाइप अप जेस्टर्स यूज कर सकते हैं। स्वाइप जेस्टर्स फ्रॉम बोथ साइड्स को अगर आप एनेबल करते हैं तो इस तरीके से आप होम में जा सकते हैं, होल्ड करते हैं थोड़ा तो आप रिसेंट्स में जा सकते हैं, और साइड से इस तरह से स्वाइप करेंगे तो आप बैक बटन को यूज कर सकते हैं। उसी के साथ नेविगेशन बटन्स के अंदर अगर आप पुल डाउन टू एंटर 100 मोड को सेट करते हैं तो आप इस तरीके से नीचे की तरफ स्वाइप करके 100 मोड को एनेबल कर सकते हैं, और एग्जिट अगर आप करना चाहते हैं तो यहां से इस आइकन को प्रेस करके कर सकते हैं। नेविगेशन के लिए आपको एक असिस्टिव बोल भी देखने के लिए मिलती है। अब इसको आप नेविगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और शॉर्टकट्स के लिए भी। अगर आप जेस्चर ऑपरेशंस पर इसको सेट करते हैं तो सिंगल टैप करके इस बोल पर आप बैक जा सकते हैं, लॉन्ग टैप करके आप होम में जा सकते हैं, और डबल टैप करके आप रिसेंट्स में जा सकते हैं। उसी के साथ अगर आप इसको टैप मेनू पर सेलेक्टेड रखेंगे तो इसको टैप करके आप काफी सारे शॉर्टकट्स भी यूज कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। उसके लिए आपको कन्वीनियंस टूल्स के अंदर जेस्चर एंड मोशन के अंदर स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स के अंदर जाना है और इसको एनेबल कर देना है। उसके बाद आप जब आपके फोन की स्क्रीन ऑफ है तो कुछ ड्रॉ करके कुछ एक्शंस परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ और जेस्चर्स भी यहां पर ऐड करना चाहते हैं वो भी आप यहां से कर सकते हैं, और इवन म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक जेस्टर्स की मदद से। जेस्टर्स की बात करें तो यहां पर कॉल्स के रिलेटेड भी काफी सारे जेस्टर्स हैं, जैसे कि ऑटो ईयर पिकअप कॉल्स, मतलब जैसे ही आप अपने फोन को कान के पास लेके आएंगे फोन जो है ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। उसी के साथ फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, तो ये सब कॉल जेस्टर्स भी आप इस फोन में यूज कर सकते हैं। इस फोन में एक बहुत ही अमेजिंग फीचर जो मुझे देखने के लिए मिला वो था सेटिंग्स के अंदर, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर, जो कि है प्रोसेस मैनेजर के नाम से। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके फोन में कौन-कौन सी एप्लीकेशंस अभी जो है वो प्रोसेस में है और आपके रैम को बेसिकली यूज कर रहे हैं। काफी बार ऐसा होता है कि आपको रिसेंट्स में कोई भी ऐप यहां पर नहीं दिखती, फिर भी यहां पर आपको काफी सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस देखने के लिए मिलेंगी। तो बेसिकली एक टास्क मैनेजर जैसा फीचर है, यहां से आप टास्क को एंड कर सकते हैं या फिर फ्रीज कर सकते हैं। जैसे कि सिस्टम ऐप्स के अंदर अगर मैं थीम स्टोर को स्टॉप करना चाहूं तो ऐसे स्टॉप कर सकता हूं। इस फोन में आपको स्क्रीनशॉट से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग जेस्चर्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि एडिशनल सेटिंग्स के अंदर स्क्रीनशॉट के अंदर है। तो अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं इस तरीके से तो आप नीचे की तरफ स्वाइप करके डायरेक्टली इसको शेयर कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप इसको ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं स्क्रीनशॉट के प्रीव्यू को तो डायरेक्टली आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ अगर आप तीन फिंगर से इस तरीके से होल्ड करके रखते हैं तो आप इस तरीके से एक सेलेक्टिव स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब कि जितना पार्ट आप कैप्चर करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसी के साथ एक और चीज, अगर आप इस तरह से होल्ड करके इसको नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं तो आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट अगेन डायरेक्टली दे सकते हैं। इस फोन में आपको क्लोन ऐप्स का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। सेटिंग्स के अंदर आपको यहां पर ऐप क्लोनर का फीचर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आप कुछ लिमिटेड ऐप्स को क्लोन कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया के कुछ एप्लीकेशंस, और यहां पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि किन किन एप्लीकेशंस को आप क्लोन कर सकते हैं। इस फोन में आपको गेम स्पेस का फीचर भी देखने के लिए मिलता है, जो कि सेटिंग्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहां से सिर्फ आप इसको एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको ड्रॉअर में जाना है और यहां से गेम स्पेस को ओपन करना है। यहां पर आप गेम्स को ऐड कर सकते हैं और कुछ सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। उसी के साथ दोस्तों थ्री फिंगर्स स्वाइप अप से आप डायरेक्टली स्प्लिट स्क्रीन भी इस फोन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप दूसरी कोई ऐप ऑन कर सकते हैं जिसके साथ आप स्प्लिट स्क्रीन यूज करना चाहते हैं। इसके बाद अगर आप कैमरा ऐप के अंदर चल जाएं तो इस 13,000 के फोन में कैमरा से रिलेटेड भी काफी सारे अच्छे फीचर्स हैं। सबसे पहला, यहां पर आपको 64 मेगापिक्सल मोड देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इस फोन में प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का है। उसी के साथ इस फोन में आपको अल्ट्रा वाइड और अल्ट्रा मैक्रो जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि दोनों के लिए आपको डेडिकेटेड लेंस देखने के लिए मिलते हैं। अल्ट्रा वाइड को यूज करने के लिए यहां पर आपको 1x को इस मोड पर लेके आना है, और अल्ट्रा मैक्रो अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यहां पर मोर के अंदर से अल्ट्रा मैक्रो को आप सेट कर सकते हैं। उसी के साथ मोर में अगर आप देखेंगे यहां पर आपको टाइम लैप्स और स्लो मोशन जैसे फीचर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। स्लो मोशन की अगर आप बात करें तो आप 240 या फिर 120 FPS पर इसको क्लिक कर सकते हैं। उसी के साथ वीडियोस अगर आप क्लिक करते हैं तो वीडियोस की सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे कि रियर कैमरा से आप 4K 30 FPS शूट कर सकते हैं, और 1080 पिक्सल फुल HD अगर आप शूट करते हैं तो आप 60 FPS तक शूट कर सकते हैं। तो ये थे इस फोन के काफी सारे अमेजिंग फीचर्स। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो भी फीचर सबसे अच्छा लगा वो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हर एक फोन पर बनाता हूं ताकि आपको सब फोन के फीचर्स के बारे में पता चल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।